हेलो गाइस, वेलकम टू नम्रताज किचन एंड ब्लॉग्स। आज मैं आप सभी के लिए एक बहुत ही यूनिक और डिफरेंट स्टाइल में लखनवी समोसे की रेसिपी लेकर आई हूं, जो कि बनाने में बहुत ही इजी है। और जैसा कि आपको पता है, खाने में तो ये टेस्टी लगेगा ही लगेगा, जैसा कि ये दिख रहा है खाने में उससे भी ज़्यादा अच्छा लगता है। और मैंने इसमें बहुत ही कम चीज़ों का यूज़ किया है, आप इसे बहुत ही जल्दी बना सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैंने इसे बनाने के लिए सबसे पहले 1.5 कप मैदे का यूज़ किया है। अब मैं उसमें मोयन के लिए रिफाइंड ऑयल यूज़ कर रही हूँ। आप चाहे तो घी का भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको समोसा थोड़ा खस्ता चाहिए तो आप इसमें ऑयल का यूज़ करें। मैं इसमें 3 चम्मच ऑयल डाल रही हूँ 1.5 कप मैदे में। अब इसे मैं अच्छे से 1-2 मिनट तक मिक्स कर लूँगी। अब मुझे इसे मिक्स करते हुए लगभग 2 मिनट हो चुके हैं। अब देख सकते हैं जैसे हम मुट्ठी बांध रहे हैं, ये आपस में अच्छे से बंध जा रहे हैं। तो इस स्टेज में आके अब मैं इसमें थोड़ा सा अजवाइन यूज़ कर रही हूँ। अजवाइन हमें थोड़ा कम यूज़ करना है, क्योंकि हम जब इसका स्टफिंग बनाएंगे समोसे का तो उसमें भी अजवाइन यूज़ करेंगे। अब मैंने इसमें 1/2 चम्मच लगभग नमक ऐड किया हुआ है। नमक को भी आप हिसाब से यूज़ कीजिए, क्योंकि स्टफिंग में भी नमक रहेगी। अब मैं इसमें थोड़ा थोड़ा पानी मिलाते हुए इसका एक डो तैयार कर लूँगी। डो सॉफ्ट नहीं बनाना है हमको, थोड़ा सा हार्ड डो बनाना है। अब मैं इसे कवर करके लगभग 20 मिनट के लिए रख दूँगी। अब जब तक हमारा डो रेस्ट कर रहा है, तब तक हम इसकी स्टफिंग तैयार कर लेते हैं। सबसे पहले मैंने पैन को गर्म करके उसमें रिफाइंड ऑयल ऐड कर दिया है। इसके बाद जैसे ही ऑयल गर्म हो जाएगा, मैं इसमें जीरा डाल रही हूँ। उसके बाद मैं इसमें गार्लिक जिंजर पेस्ट डाल रही हूँ। अब मैं इसमें 1/2 छोटा चम्मच अजवाइन ऐड कर रही हूँ। अजवाइन को हमें बहुत ज़्यादा नहीं डालना है, क्योंकि हमने डो में भी अजवाइन डाला हुआ है। अब मैं इसमें लगभग 1/2 चम्मच सौंफ ऐड कर रही हूँ। गाइस, आप इसमें सौंफ ज़रूर ऐड कीजिएगा, इससे एक अलग ही फ्लेवर इसमें आता है, जो कि खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है। अब मैं इसमें प्याज ऐड कर रही हूँ और इसे मैं ट्रांसल्यूसेंट होते तक फ्राई कर लूँगी। अब मैं इसमें बारीक कटी हुई हरी मिर्च ऐड कर रही हूँ। ये टोटली ऑप्शनल है, अगर आप चाहें तो इसे डालें, वरना ना डालें। अब मैं इसमें बिल्कुल थोड़ा सा हींग डाल रही हूँ। उसके बाद हम इन सभी चीज़ों को एक बार अच्छे से मिक्स कर लेंगे। फिर मैं इसमें बॉईल किया हुआ आलू को अच्छे से कट करके उसमें ऐड कर रही हूँ। चाहे तो आप इसको मैश करके भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैं पहले इसको इसी तरीके से ऐड कर रही हूँ। मैं बाद में चम्मच से ही इसे अच्छे से मैश कर दूँगी। अब इन चीज़ों को मिक्स कर लेने के बाद मैं इसमें बिल्कुल थोड़ी मात्रा में हल्दी ऐड कर रही हूँ। उसके बाद मैं इसमें बिल्कुल थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर ऐड किया है। फिर मैंने इसमें स्वादानुसार नमक ऐड किया है। फिर धनिया का पाउडर आपको थोड़ा सा इसमें ज़्यादा ऐड करना है। अगर आपके पास साबुत धनिया है तो आप उसे भी हल्का सा क्रश करके इसमें साबुत मसालों के साथ डाल सकते हैं, उससे भी इसका फ्लेवर बहुत ही अच्छा लगता है। अब मैं इसमें काली मिर्च का पाउडर ऐड कर रही हूँ। अब मैं इन सभी चीज़ों को एक बार फिर से अच्छे से मिक्स कर लूँगी और साथ ही साथ मैं इसे धीरे धीरे स्पैचुला से अच्छे से मैश करते जाऊँगी, जिससे इसमें मसालों का फ्लेवर भी अच्छे से मिक्स हो जाएगा। गाइस, जैसा कि आप सभी ने देखा, मैंने इसे बनाने के लिए बहुत ही कम चीज़ों का यूज़ किया है, लेकिन ये खाने में बहुत ही अच्छा लगता है और बहुत ही जल्दी बनकर भी तैयार हो जाता है। अब हमारा स्टफिंग बनकर कम्प्लीटली रेडी है। अब हम इसे 10 मिनट के लिए ठंडा होने के लिए रख देंगे। अब जब तक हमारी स्टफिंग ठंडा हो रहा है, तब तक हम अपने डो को डिज़ाइन में कन्वर्ट कर लेते हैं। अब जितना आटा मैंने लिया हुआ है, उसका मैं उसमें से 4 बड़ी लोइयां बनाकर उसकी बड़ी बड़ी पोरियां बेलूंगी। और इसे हम बहुत पतला बेलेंगे, मोटा तो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि ऑयल में जाने के बाद वो और भी ज़्यादा फूल जाता है। इस तरह से हमें इसे अच्छे से प्रेस करते हुए पतला सा बेल लेना है। उसके बाद चाकू लेकर हमें बीच वाले पार्ट से थोड़ा ऊपर से किनारों को छोड़ते हुए उसमें एक सीधी लाइन बनाते जाना है। जितनी मोटी पट्टी हमें समोसे के ऊपर चाहिए, उतना ही अंतराल छोड़कर हमें इसमें कट लगाते जाना है। डिज़ाइन को आप ध्यान से देखिएगा गाइस, तभी आप उस तरीके का डिज़ाइन बना पाएंगे। जैसे कि आपने देखा, मैंने इक्वल कट लगा लिया है इसमें। कट लगा लेने के बाद मैं इसे एक बार पानी से अच्छे से ग्रीस कर लूँगी, जिससे कि ये एक दूसरे से अच्छे से चिपक जाए और इधर उधर ना हो। अब मैं इसे अच्छे से प्रेस कर दूँगी। उसके बाद जो हमारा ये नीचे वाला पोर्शन है, वो हमारे समोसे का हाइट बनेगा,
तो देखना आप ध्यान से मैं किस तरीके से इसे मोड़ रही हूँ, और आप उसी तरीके से बिल्कुल इसे मोड़िएगा। और इन दोनों के बीच में आप पानी लगाना बिल्कुल भी ना भूलें, नहीं तो समोसा ऑयल में जाने के बाद खुल जाएगा और उसकी स्टफिंग बाहर आ जाएगी। अब ये इस तरीके से कोन के रूप में कन्वर्ट हो गया है। अब हम इसे अपने हाथों में इस तरीके से ले लेंगे और इसके अंदर स्टफिंग को डालते हुए उसको भी हल्का सा प्रेस कर देंगे, जिससे कि अच्छे से स्टफिंग इसके अंदर चली जाए। अब जैसा कि आप देख रहे हैं, इसका किनारा जो है वो बहुत ही ज़्यादा मोटा नज़र आ रहा है इस समय, तो हमें उसमें भी पानी लगाते हुए इसे अच्छे से हल्के हाथों से दबाते हुए पतला कर लेना है, ताकि हम इसका जो नीचे वाला पोर्शन होता है ना समोसे का, वो बनाएंगे। और इस तरीके से हमें इसके अगले वाले भाग को थोड़ा सा फोल्ड करते हुए सभी को एक लाइन में चिपकाते हुए हम इसका डिज़ाइन कंप्लीट कर लेंगे, और इसे भी थोड़ा सा पतला कर देंगे, क्योंकि ये ऑयल में जाने के बाद बहुत ज़्यादा फूल जाएगा और बहुत ही ज़्यादा मोटा हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं गाइस, हमारा पहला समोसा का डिज़ाइन बनकर कम्प्लीटली रेडी है। इस तरीके से हम अपना सारे समोसों का डिज़ाइन बना लेंगे। और हाँ, अगर आपको ये समोसे की डिज़ाइन पसंद आई हो ना, तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये यूनिक स्टाइल कैसा लगा। तो इसी तरीके से हम अपना सभी समोसे का डिज़ाइन कंप्लीट कर लेंगे, और साथ ही साथ मैंने कढ़ाई में तेल गर्म होने के लिए रख दिया है। समोसे को बना लेने के बाद आपको बार बार इसे हाथ नहीं लगाना है, क्योंकि अगर आप बार बार इसे टच करेंगे तो इसका जो शेप है ना वो बिगड़ जाएगा। तो चलते हैं आप कढ़ाई की ओर। अब हमारा तेल अच्छे से गर्म हो चुका है, मैंने इसे लो फ्लेम पर गर्म कर लिया है, और लो फ्लेम में ही हमें इसे अच्छे से फ्राई करना है। तो मैं एक एक करके सभी समोसों को इसमें डाल दूँगी, और समोसों को लगभग 10 से 15 मिनट तक हम लो फ्लेम में ही अच्छे से पका लेंगे। सभी समोसे को डाल लेने के बाद हमें इसे बिल्कुल भी टच नहीं करना है, 1 से 2 मिनट हो जाने के बाद ही हमें इसमें चम्मच चलाना है। गाइस, जैसा कि आप सभी देख पा रहे हैं, मुझे समोसों को तलते हुए लगभग 10 से 15 मिनट हो चुका है। अब ये अच्छी तरीके से पक चुके हैं। आप चाहें तो इससे भी ज़्यादा आप इसे थोड़ी देर के लिए और तल सकते हैं, क्योंकि ये डबल लेयर्ड समोसा है, तो इसके अंदर का पोर्शन थोड़ा सा कच्चा रह जाता है, उसका आपको ध्यान में रखते हुए आपको इसे तलना है। तो अब मैं एक एक करके इन सभी को निकाल लूँगी और इसे सर्व कर लूँगी। तो अब हमारा समोसा जो है लखनवी समोसा कम्प्लीटली बनकर रेडी है। अब आप इसे सॉस के साथ, चटनी के साथ या दही के साथ इंजॉय कर सकते हैं। ये खाने में बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है गाइस, और बनाने में भी बहुत ही जल्दी बन जाता है। आप सभी इसे एक बार ज़रूर ट्राई करें। इसकी स्टफिंग भी बहुत ही ज़्यादा इजी है, कोई उसमें तामझाम नहीं है। आप सभी एक बार इसे ज़रूर ट्राई करिए और मुझे कमेंट करके बताएं कि ये रेसिपी आपको कैसी लगी। और अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। और अगर आप मेरे चैनल में पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू सो मच गाइज़।